चुनावी मौसम में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की चोट को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया। सोमवार को बांकुड़ा के रानीबंद में भाजपा की सभा से हमला बोलते हुए शाह ने कहा, ममता दीदी के पैर में चोट लगी है। तृणमूल कहती है कि षड्यंत्र हुआ है, कमीशन कह रहा है दुर्घटना में चोट लगी है, भगवान ही जाने सच्चाई क्या है। अभी अभी मैं देख रहा हूँ ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने चोट आई है। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी, चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है, भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है, 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है।